लोहे से बने इस कैंची जैसे उपकरण को ध्यान से देख लीजिए। ये उपकरण भारत को ईसाई मजहब की देन है। नाम है ब्रेस्ट रीपर, यानी तन को काटने वाली कैंची। गोवा में पुर्तगाली कब्जे के दौरान वहां के चर्च ने इसका आविष्कार भारतीयों के लिए किया था। चर्च जिन स्त्रियों को सजा देना चाहता था, उनके स्तन ऐसे ही ब्रेस्ट रीपर से काट लिए जाते थे। बड़ी संख्या में हिंदू स्त्रियां इस हथियार का शिकार बनी। कई बार ईसाई बन चुकी महिलाओं को भी यह सजा दी जाती थी, क्योंकि उन पर संदेह होता था कि वो घर में चोरी छिपे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हैं। पुरुषों के लिए भी यह अपराध था, उनके लिए दंड की अलग व्यवस्था थी। उस दौर में गोवा में धार्मिक रीति रिवाज तो दूर, घर में तुलसी का पौधा लगाना भी अपराध था। 16वीं शताब्दी के आरंभ में ही गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। इसके बाद से ही स्थानीय हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए। लोगों को बलपूर्वक लालच देकर ईसाई बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन वर्ष 1560 में पोप के आदेश पर इंक्विजिशन की शुरुआत हुई। इंक्विजिशन एक तरह की मजहबी अदालत होती है, जो उन लोगों को सजा सुनाती है जो चर्च के नियमों का पालन नहीं करते। इसे गोवा इंक्विजिशन के नाम से जानते हैं। वर्ष 1812 यानी 250 साल तक गोवा में रोमन कैथोलिक चर्च ने हिंदुओं पर अत्याचार का जो चक्र चलाया, वैसा उदाहरण विश्व के इतिहास में कहीं और नहीं मिलता। हजारों लोगों का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बना दिया गया। जो लोग चर्च का आदेश नहीं मानते, उनके लिए मौत की सजा तय थी। पुरुषों को टॉर्चर चेम्बर में डालकर या जिंदा जलाकर मार दिया जाता था, और महिलाओं के लिए इस ब्रेस्ट रीपर का प्रयोग किया जाता था। गोवा इंक्विजिशन के पहले 100 साल में ही 16,000 से अधिक लोग मार दिए गए। बाद के सारे रिकॉर्ड्स वहां के चर्च ने जला दिए। कैथोलिक मिशनरी फ्रांसिस जेवियर की सिफारिश पर गोवा में इंक्विजिशन की घोषणा हुई थी। ऐसे ही शानदार कामों के लिए फ्रांसिस जेवियर को मरने के बाद संत की उपाधि दी गई। आज भारत में सेंट जेवियर्स के नाम से कई कॉलेज और दूसरी शैक्षणिक संस्थाएं चलती हैं। गोवा के एक चर्च में आज भी फ्रांसिस जेवियर का शव संरक्षित करके रखा हुआ है। गोवा घूमने जाने वाले हिंदू भी उस चर्च में जाते हैं और बिना सत्य जाने सिर झुकाते हैं। सेंट जेवियर जैसी सोच वाले लोग आज भी हमारे देश में हैं। कहीं पादरी, कहीं बिशप, तो कहीं मिशनरी बनकर वो अपना काम कर रहे हैं। आज वही कट्टरपंथी ईसाई हम भारतीयों को मानवता, समानता और मानवाधिकार का पाठ पढ़ाते हैं। लोग गोवा इंक्विजिशन की कहानी भूल चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकारों ने स्कूली किताबों से इस अत्याचार की कहानियां लगभग पूरी तरह मिटा दी। न तो पोप न पुर्तगाल के शासकों ने कभी अपने इस पाप के लिए भारतीयों से क्षमा मांगने की आवश्यकता समझी। पूरे 250 वर्षों तक किसी धार्मिक समुदाय पर अमानवीय अत्याचारों का ऐसा कोई उदाहरण विश्व इतिहास में नहीं मिलता। यह कोई दैवीय चमत्कार ही है कि गोवा में आज भी हिंदू धर्म बचा हुआ है। यह गोवा के हिंदुओं का साहस है, जो उन्होंने इतने अत्याचार सहकर भी अपने धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखा। इसी का परिणाम है कि आज गोवा के कई कैथोलिक ईसाई परिवार भी जानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। वो आज भी हिंदू संस्कृति से अलग नहीं हुए हैं। गोवा इंक्विजिशन का इतिहास नई पीढ़ी को बताना आवश्यक है, ताकि फिर कोई पोप या उसका एजेंट ऐसा अपराध न करने पाए। इतिहास को जानेंगे तभी भविष्य सुरक्षित होगा। विश्वास रखिए, एक दिन भारत में सेक्युलरिज्म का मायाजाल टूटेगा और अपनी जड़ों से काट दिए गए हिंदू भी अपने धर्म में लौट कर आएंगे।